हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज के एबीसी। आज की वीडियो आपके लिए लाए हैं हरियाणा बोर्ड का क्लास नाइन्थ का मैथ्स पेपर का ब्लूप्रिंट। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा कंटेंट कितने नंबर का आता है, किन चैप्टरों में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने आते हैं। इसमें हमारा जो सेक्शन वन होता है, सेक्शन ए, उसमें एक एक नंबर के हमारे 16 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं हरियाणा बोर्ड में, जो ये टोटल 16 नंबर के आएंगे। उसके बाद आपके सेक्शन बी में दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि 6 आते हैं टोटल। ये आपके टोटल 12 नंबर के हो जाते हैं। थर्ड सेक्शन के अंदर चार चार नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके 32 नंबर के हो गए। और जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर पांच पांच नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 4, ये आपके 20 नंबर के हो जाते हैं। तो टोटल मिला के आपका पेपर होता है 18 मार्क्स का, 18 नंबर का। और टोटल क्वेश्चन आते हैं जो आपके, वो 34 क्वेश्चन होते हैं, 34 क्वेश्चंस। मीन्स अब 34 क्वेश्चंस में से आपका 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या वेटेज है क्वेश्चंस की, चलिए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर जो आता है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें से आपका 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल, सिर्फ एक चैप्टर के अंदर से 6 नंबर का। उसके बाद सेकंड हमारा पॉलिनोमियल दूसरा चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दोनों चैप्टर्स को मिला के 14 मार्क्स का पेपर आता है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दो चैप्टर में से 14 मार्क्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप ये पार्ट सबसे पहले करिए और जरूर। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस अकेले चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, फिफ्थ चैप्टर। इस फिफ्थ चैप्टर में से एक चैप्टर में से ही 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पांच चैप्टर, सिक्स्थ लाइन एंड एंगल, सेवन चैप्टर ट्रायंगल, एट्थ क्वाड्रिलेटरल, और नाइन्थ चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, और टेंथ चैप्टर सर्कल्स। ये सारे जो ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, इन पांचों चैप्टर में से टोटल मिला के 18 मार्क्स का पेपर आएगा। इन चैप्टर्स की अगर, तो जिस बच्चे की तैयारी है वो तो ठीक है, अगर किसी की तैयारी नहीं है तो इनको छोड़ के आप पहले लास्ट वाले चैप्टर कीजिए, ये वाले और ये वाले, इनको सबसे लास्ट में कीजिए। क्योंकि लास्ट वाले जो चैप्टर हैं, ये वाले जो हैं मेन, इनकी वेटेज ज़्यादा है, इसकी वेटेज कम है, तो आप इनको लास्ट में करिए, लेकिन करिए जरूर। इसके बाद 18 के बाद आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है 11th चैप्टर, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 12th एंड 13th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इन दो चैप्टर में से मिला के टोटल 14 मार्क्स का पेपर आएगा। और लास्ट में हमारे बचते हैं सबसे इजी चैप्टर जो हैं 14th एंड 15th, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर में से मिला के 13 मार्क्स का पेपर आता है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर बहुत आसान होते हैं। आप इन पांचों चैप्टर्स को लास्ट में तैयार कीजिए, और इन चैप्टर्स को पहले करके आप बहुत अच्छा टाइम टेबल अपना बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।